एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस सोल। तो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज आपके साथ, जो आप जब चाहे तब कर सकती हैं। क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमने मॉर्निंग में हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर हम बहुत बिजी हैं अपने घर के शेड्यूल में तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए मेरा आंसर यही है कि अगर आपको अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप जब भी एक्सरसाइज करें, आपको स्पेशली दो बातों का ध्यान रखना है। पहली, कि जब आप एक्सरसाइज करने की सोच रहे हैं, उससे एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पहले आपने कुछ खा लिया हो, मतलब आपके खाना खाने के 1 या 2 घंटे तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप इजीली अपने 15-20 मिनट निकाल कर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने आफ्टरनून में लंच कर लिया है 1 या 2 बजे, तो आप 4-5 बजे पर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एंड दूसरी बात, कि एक्सरसाइज करने के 1 घंटे बाद तक आप कुछ नहीं खा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक रूल है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज के बेनिफिट हमें मॉर्निंग में मिलते हैं वही आपको उस टाइम पे मिलेंगे। बस आपको ये खाने की दो बातों का ध्यान रखना ही रखना है, अगर आप आफ्टरनून में या इवनिंग में या नाइट में जब चाहे तब आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो बस इन बातों को ध्यान रखिए, एंड मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि अगर ये एक्सरसाइज आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको जो जो बेनिफिट होंगे, आपका स्टैमिना बिल्डअप होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जो बेली फैट है वो रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। तो बस आपको करना इतना है, आपको मेरे साथ ये एक्सरसाइज 15 दिन के लिए फॉलो करनी है। कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई स्पेशल मशीन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ चाहिए तो आप और आपके 15 मिनट डेली दिन के। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का रूटीन, एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के वीडियोस मिस ना हो पाए फ्रेंड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, उससे पहले मैं एंजॉय करती हूँ अपना बालकनी व्यू और आप करिए अपनी एक्सरसाइज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड।